Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तराखंड की सरकार पर छाए हुए संकट के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली से वापस देहरादून पहुंच रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दोपहर 4 बजे उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे। लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। ऐसे में अब राज्यपाल से मुलाकात कई संकेत दे रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की राज्यपाल से मुलाकात से पहले भाजपा विधायक सिंह चौहान ने कहा कि दोपहर 3 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी में करीब 57 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की है और मुख्यमंत्री ने शानदार काम किया है। बीजेपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के सभी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर भी लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पार्टी के कई विधायक और मंत्रियों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसी के बाद से ही उत्तराखंड की सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बीते दिन दिल्ली में कई नेताओं से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की थी। पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली से पर्यवेक्षकों को भेजा गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बीते दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में भी आए थे। दिल्ली में उत्तराखंड सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी सांसद अनिल बलूनी समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जाती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि पार्टी मंथन करने के बाद कोई बड़ा फैसला लेने के मुकाम पर पहुंची हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से खपा विधायकों की शिकायत रही है कि उनकी अगुवाई में सरकार और संगठन के बीच कनेक्शन टूट सा गया है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.